मैं अपने देखने वाले भैन भरावान वड़ाइश वैदर खुशामदीद आखना वा। जिस तरह के असा ने जड़े मैं अपने भैन भरावान की दसना चाह रहा कि जिस तरह देसी महीने होंगे ने वो महीने बहुत सख्त सर्दी में इंतहा की टका गया सर्दी होंगी है। लेकिन हूँ जोड़ा मौसम चल रहा है वह है सावन। सावन दियाँ तकरीबन अच्छे तीन या चार तारीख हो चुकी ने तो डेली रेनफॉलिंग होनी है, इंतहा की बारिश होनी है। तुम्हें भी दसिया कि अपने जोड़े जमींदार भाई ने उन्होंने मुंजी की फसल काश्त की है जो चावल होने ने तो वो भी बारिश का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी जमीन पानी नहीं रुकेगा क्योंकि इस फसल में हर वक्त पानी जमीन में खड़ा होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह तो ये अल्लाह की तरफों एक बहुत ही बड़ी नेमत है बारिश। तो अज भी बारिश हो रही है तो सब पक सकते हो दबा का बारिश हो रही है तो साड़ी झील का नजारा करो तो झील का पानी नको नक हो चुके है। इतना पानी हो झील में जिसना शुमार ही कोई नहीं तो वो स्कूल नहीं दीवारा तक झील ना पानी बाहर क्योंकि हले का बारिश बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह तो असर उधर ना जा सकते। थोड़ी देर बाद जाएंगे तो भी दसांगे कि पानी है जोड़ा किस तरह किनारे तक पहुंचे है स्कूल दीवारा तक गए है नवी जिते जुमा पढ़ने मस्जिद उस तरफ ही गया वै तो वह इंशाला बारिश का थोड़ी घट होती है फिर तुम जाकर भी विजिट कराने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुतीब भाई ने सानू दस छोड़े है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं भी दो दिन हो गए आया मुतीब भाई को कुरबान भाई को आज दो दिन हो गए तो सानू डेली रूटीन दसनी सी लेकिन आज दूसरा दिन है इतनी तेज बारिश है कि बंदा बाहर ही नहीं जा सकता तो इंशाला बारिश की डेली रूटीन दसांगे। असं उठे तो सुबह तो हो लेकिन व्लॉग हूँ शुरू करने गए हैं बारिश तुम देख सकते हो वो सामने जो ग्रीन ग्रीन नजर आने गए है पानी है और तो सू करीब जाकर दसांगे थोड़ी बारिश आस्ता आ जाए तो हूँ कुरबान भाई ने सारी मुलाकात कराने हैं। ये कुरबान भाई आ गए ने तमाम देखने वाले भैन भरावान अस्सलाम वालेकुम रेनी डे मुबारक तो एक और चीज दसीए यह मतीब होर का घर है ये बिजली का मेन डीपी लगी है मेन डीपी लगी है तो अलहमदुल्ला यह जिंदगी पहली बार तक चीज आई है कि इस विचों पानी आ रहा है बहुत ही डेंजरस है लेकिन मतीब भाई फिर भी नहीं बाज आते काम नहीं कराते मतीब भाई थोड़ी के राय है इस डीपी के बारे च पानी कटो तो फिर जनाब ये पैपा विचू पानी आंदा इधर मेन तारा ने इथू पानी आंदा सीधा बार बहुत डेंजरस है अली भाई बारिश छोड़ आ गया बहुत ज्यादा बारिश लगी है थले ही चलिए एक मिनट चको कपड़ा गिला जी गाय से जरा पैप जी पानी अंदर जाता है गुरकान भाई ने इतना ही शौक है कुरकान भाई ने पुत्रियों का कि कुरकान भाई ने अपने छत गुटी रही हुई सी घर बनाया है कल कुत्ती अपनी उधर रही हुई सी कुत्ती नहीं कहना आवे कुत्ती भी धोई लैंदी है बंटी कहना आवे मतीब भाई उधर खलोते हैं मतीब भाई कहते हैं सर्दी है बाहर बारिश है बड़ी तेज तुहानू कुरकान भाई के डोग का शौक करा दें इस टाइम कुरकान भाई के डोग ना मुर्गियां कुछ भी नहीं सामने नजर आ रहा है फुल साड़ा ग्रां क्लीयर है सामने यह पानी आया दरिया इधर दरिया बने आया स्कूल तक जी फिर कुरबान भाई कपड़े कपड़े फुल गिले हो गए तो कुरबान भाई भी कपड़े चेंज कर रहे हैं क्या दिन मसा कर चेंज करके आया सा कैमरे का लेंस चेंज गंदा हो गया तो इन्होंने साफ करके फिर लोग बनाने।
आख सकते हो कुरबान भाई फरकान भाई ते बड़ा भाई साहब लगे ने घर है सगो पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो गया सी लेकिन ये हुण नाली कट नाली इन्होंने बनाई है पानी टोटल बहुत टुर जाएगा तो कुरबान भाई हुण नाल नाल थोड़ी बूटी भी पट्टन लगे ने ये आखदे ने मैं नहीं बूटी पट्टनी मेरे हाथ च स्मैल देखने वाले हो भैनों भराओ आख सकते हो बारिश बहुत ही ज्यादा है बहुत ही ज्यादा बारिश लगी है ज्यादा सारे अपने अपने कामों का लगे पे ने दीवारा भी झूक गया कोशिश कर सन इन भी कढ़ने की तक सकते बारिश बहुत ज्यादा है कोई शह नहीं नजर आ रही इन्होंने नाली बहुत प्यारी बनाई है पानी बिलकुल खाली हो गया लेकिन इतने पहला इसको पानी बहुत ज्यादा जमा हो हमने टोटल पानी है जरा झील की तरफ जा रहे हैं जिस तरह के कुरबान भाई के कबूतर अभी देखने आए हैं सुबह के तुम साढ़े नाल हो तो सुबह की कुरबान भाई को पूछो बारिश इतनी तेज सी इतनी तेज सी कि असी सही भी अज अज पूरा दिन बोरिंग गुजरे है अज गा ही रहे हैं तो किधरे भी हम बार गए तो हूँ आए हैं कुरबान भाई कबूतर तकन आए तो मैं चलो मैं भी तकना नाल मैं अज इन्हों कबूतर तकन आया पहली बार माशाला बहुत खूबसूरत कबूतर ने चेक करो माशाला कितना प्यारा कबूतर है कुरबान भाई आज दिन के बारे तुम क्या कहना चाहोगे आज का दिन बस इंजे ही घर बैठे रहे हैं बोरिंग जहा दिन गुजरे है कोई एक्टिविटी नहीं सी बाहर भी नहीं जान होया क्योंकि बारिश बहुत तेज सी जिसकी वजह तो असा वजह ना जा सके बारिश की वजह तो अलहमदुल्ला असं बहुत खुश हैं एक्टिविटी कोई नहीं जिसकी वजह तो वो कीड़े नू दे नाल ते लाला चल बस ठीक है असी पहुंचे हैं कुरबान भाई होरां दे डेरे ते ते हुण इत्थे ते ताला लगे है ताला लगे इत्थे ते कुरबान भाई हुण उपरी सट्टण लगे तुहानू बकरियां मैं तका देना वा बकरी इन्हां दी इक्को ही नज़र आ रही है कुरबान भाई बाकी बकरियां किधर गईयां ने हुण असां असा बकरिया खाना जो अंदर ही सटे है थले हूँ जा नहीं सकते क्योंकि थले तो देखा वै बी रस्ता काफ़ी ज़्यादा खराब है माशाल्लाह व्यू देखो न इधर उधर रस्ता ठीक है तो वह थले जाके रस्ता काफ़ी ज़्यादा खराब है किचड़ जहा बने हुआ वै जिद वजह ना जा सकते तो हूँ कुरबान भाई किधर बैठिए इधर उपर लमन ते बवी जिस तरह के असा तो सू दसा सावन की बारिश आती है असा जेल फुल हो जानी है पानी नाल अब टाइम ही दसिया ब्लॉग कि बारिश हुई है इंतहा दी तक लो झील के हर पास पानी पानी हो गया इधर भी तुसा तक सकते हो झील च पानी बहुत ज्यादा आया वै हर तरफ पानी पानी हो गया वै मस्जिद जाने का रास्ता भी खराब हो चुके है क्योंकि जेड़े इस मस्जिद में नमाजी जाते सन उन्होंने वास्ते बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा हुई है रस्ता बिल्कुल नहीं है टोटल रस्ते पानी पानी है तो तक सकते हो खना कोल पानी आ गया उधर जेड़े घर ने स्कूल नहीं दीवार न हर पास है पानी और पानी अगर और दो तीन बारिशा ऑन द स्पॉट इसे मौके पर हो गई तो झील का पानी लोगों के घर के अंदर चला जाएगा असर की नमाज अदा करने तो बाद असा मस्जिद ने बाहर वाले हिस्से को आए हैं झील के किनारे तो असा इस वक्त बिल्कुल झील के किनारे तक मौजूद हाँ और तुम तक सकते हो लेबर लगी है जो कि मस्जिद का बचिया हिस्सा थोड़ा जहा कम रह गया सी कर रहे बाहर वाले हिस्से तक टाइल लग रही है वाइट कलर की जो कि मस्जिद के हिस्से को बहुत खूबसूरत बना रही है उपर मस्जिद का माशाला गुंबद भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है अज बारिश होने तो बाद कुदरत की तरफों जो टाइल धोनियाँ बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज नाल लुक नज़र आ रही है तो झील के किनारे तो मौजूद हाँ तो झील इस टाइम फुलो फुल पानी पानी हुई है पहला झील का पानी इतना ज्यादा नहीं सी हूँ पानी दे इंतहा कर दिखती है बथान जड़ियाँ वो भी मौजूद ने कुछ पानी बच्चे लेकिन जड़ियाँ वड्डी नस्ल दियाँ बथान बाद अपना जी खुराक लै रहे खुराक लैके फिर वापस आ रहे साढ़े तकन आए भरावो तो उन्होंने भैनों जे अज का व्लॉग तो सू सा चंगा लगा हो
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ते ना भी चंगा लगा हो फिर कर दियो, क्योंकि बहुत मेहनत होंगी है। तको सुबह दोपहर शाम जिन्हें बंद रोटी खाते उस तरह व्लॉग बनता है। साढ़े को पुछो साढ़े को मतलब त्रे सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहरबानी, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज। अगर अज का व्लॉग चंगा लगा ना तो यह बाकी होंगी है इंशाल्लाह मुलाकात सुबह के व्लॉग से। दुआ करो अल्लाह ताला को कि सवेरे बारिश ना हो तो फिर तुम सुबह की डेली रूटीन दिखा दईए इंशाल्लाह। सुबह डेरे तो आ गया, मझा की चवाई दसांगे और ग्रां के बजुर्गों मुलाकात हो सी, फिर इंशाल्लाह कल ही मुलाकात होंगी। हम मजीद है जरा व्लॉग वाला हो जा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।